प्रदेश में जैतून की खेती पर इस बार मौसम मेहरबान रहा है। अनुकूल मौसम रहने से इस बार जैतून की कुछ किस्मों के पौधों में अच्छी फ्लोरिंग हुई है। अच्छी ढंग पड़ने पर ही जैतून में अच्छी फ्लोरिंग होती है। करीब 4 साल के इंतजार के बाद जैतून के पौधों में अच्छी फ्लोरिंग से अब इनमें जैतून के अच्छे फल लगने की उम्मीद है। इन फलों से ही जैतून का तेल तैयार होता है। ऐसे में एक बार फिर से राज्य में राज ऑलिव ब्रांड का जैतून का तेल निकाला जा सकेगा। आपको बता दें कि राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड की ओर से राज्य में अलग अलग स्थानों पर सरकारी फार्मों पर जैतून की खेती की जा रही है। किसानों को भी अनुदान देकर जैतून की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में सरकारी फार्म पर वर्ष 2008 से जैतून की खेती शुरू की गई थी, लेकिन किसानों के लिए साल 2014-15 ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। अभी राज्य में 800 हेक्टेयर क्षेत्र में जैतून की खेती की जा रही है। इनमें से भी इस साल करीब 250 हेक्टेयर क्षेत्र में जैतून की खेती शुरू की गई है। जैतून में औषधीय गुण होने से इसका उपयोग औषधीय रूप से करने की कवायद भी जारी है। ये कार्यक्रम 2014-15 से किसानों के लिए खोला गया, जिसके परिणाम अब किसानों की खेती खेतों से नजर आने लगे हैं। गंगानगर बीकानेर के किसान जिन्होंने 2014-15 और 15-16 में जैतून के बाग लगाए थे, मैंने कल उनके खेतों का भ्रमण किया तो उनके खेतों के किस्म अरबिक्यूना, कोरोनोइकी, कोरोटिना में बहुत बढ़िया फ्लावर आई है। और अगर किसान भाई इस आगामी 2 महीना में अपने खेत को समय समय पर पानी देते रहे तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल किसान भाइयों के खेत से हम जैतून का तेल निकाल सकते हैं।